दोस्तों, तो आइए आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं एनटीपीसी रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन अभी अभी जारी किया गया है और 14 सितंबर से आपके फॉर्म शो होने को जा रहे हैं। अब इस रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास में आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों? ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें लास्ट डेट की अगर बात करें तो लास्ट डेट क्या होगी? इसमें आपके जो एग्जाम होंगे ना, वो एग्जाम के जो स्टेज होंगे, स्टेज वो कैसे किस प्रकार होंगे, इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो कैसे रहेगा, और इसके साथ साथ में दोस्तों अन्य जो भी कुल कितने पद हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है और क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। शॉर्ट में बताना चाहूंगा आपको जो भी सब कुछ जो है, डेट ऑफ पब्लिकेशंस इन आरआरबी वेबसाइट वेबसाइट पर आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी 13/9 को। दोस्तों, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ जो है एप्लीकेशंस, यानी आपके ऑनलाइन फॉर्म जो है 14/9 से शुरू होने को जा रहे हैं, यानी कल से ही। और जो क्लोजिंग डेट है वो है आपकी 13/10, यानी 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो वही निश्चित समय दिया हुआ है, समय से पहले ही आप अपना आवेदन कर लीजिए अगर आप इच्छुक हैं तो। डेट फॉर फीस, फीस की भी लास्ट 14 ही है और 16 तारीख तक आप अगर पेमेंट मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहें तो, लेकिन मुझे लगता है आप 14 तक अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों। जो जो पोस्ट है यहाँ पे, कौन कौन सी पोस्ट निकल के आ रही है आपके लिए, पोस्ट की बात करें, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। तो कुल मिला के बात करें तो 3, 2, 5 पोस्ट है ना, 5 जो है अलग अलग पोस्ट है, या फिर यूं कह लीजिएगा अलग अलग पद है। और पदों की बात करें तो पद जो है 8,300 से भी आपके प्लस पद है दोस्तों। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये आपके कुल पद जो है 8,113 पद है। अब किस किसके ये आपको जो है कैटेगरी वाइज करके दिए हुए हैं पद पोस्ट। ठीक है, अब देखिए आपकी जो आयु की गणना है दोस्तों, देखो 18 से लेकर 36 वर्ष तक आपकी जो है ये एज होनी चाहिए, एज लिमिट आपकी यही है। और इसमें भी देखो आपकी जो काउंटिंग की जाएगी वो 1/1/2025 तक, अगर आपकी 18 साल नहीं भी हुई है तो 1/1/2025 तक हो रही है तो ठीक बात है, और 1/1/2025 तक 36 से ऊपर हो रही है 36 से, तो 3 ईयर का आपको और एज इलेक्शन मिल जाएगा, जो भी जिस प्रकार से आपने कभी इसका परफॉर्मर देखा होगा अकॉर्डिंग टू। ठीक है, अब देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात करें तो आपको जो इसके पेमेंट जो आपको मिलेगा इसका, वो मिलेगा इनिशियल पे 35,400 रुपए, और इसमें जो लेवल की बात करें तो 7th CPC लेवल है, सॉरी 7th CPC से 6th लेवल है आपका, है ना। और बात करें 18 से 33 वर्ष जो है आपकी आयु इसमें रखी गई है, हालांकि मैंने आपको बताया 33 तक इसमें है, 3 वर्ष का आपको वो मिल जाएगा एज इलेक्शन, तो ये 36 मानिए आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये इस इलेक्शन तक कर रहे हैं, और 1736 पोस्ट है कुल इसमें, इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर स्टेशन मास्टर की बात करें तो ये सेम है पे स्केल, और 35,400 रुपए आपके शुरू में सैलरी है, और जो 18 से 33 है 1836 जो इस इलेक्शन के साथ में 994 इसकी पोस्ट है। तो कुल मिला के गुड्स ट्रेन मैनेजर की भी आपके 3,144 पोस्ट है, सबसे ज्यादा है, जिसमें बात करें इसकी 29,200 इसकी आपकी सैलरी रहेगी, और इसमें जो है लेवल आपका 5वां रहेगा। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें 5वां लेवल है, और 5वां लेवल है सारे, है ना, 29,200 सैलरी है, 1507 पोस्ट इसकी है, और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की 732 पोस्ट है। कुल मिला के 8,133 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। तो भाई इससे बेहतर मौका मुझे नहीं लगता कोई होगा आपके पास में, अच्छा मौका है। अगर आपके सब्जेक्ट मजबूत है तो आप फॉर्म भरिए। इसमें अगर हम बात करें और भी बात करते हैं अपन, इसमें क्या क्या चीजें और ऐड की गई है। देखिए एप्लीकेशन की बात करें तो 13/10 आपकी लास्ट डेट है, 13/10 से पहले आप इसमें आवेदन कर लीजिएगा, है ना, उसके बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें और भी अगर अपन देखें तो ज्यादा खास आपको फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन भरना है अपने ईमेल आईडी से, और आरआरबी में किस पोस्ट पर आपको फॉर्म भरना है, और मोबाइल नंबर से फॉर्म आपको अप्लाई करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको लगाना है, और बाकी और जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो इस प्रकार से देखिए आप। अगर देखो मैं कोई चीजें छोड़ दूं तो आप इसे जूम करके देख सकते हैं, और आपको टेलीग्राम पर इसकी ये मेल भी जाएगी।
ठीक है, सीबीटी टेस्ट होगा दोस्तों, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में टाइपिंग स्किल जो है वो भी कंप्यूटर बेस्ड ही होगी। अब देखो इसमें देखो सबका अलग अलग बता रखा है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो है मास्टर स्टेशन मास्टर के लिए होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से गुड्स ट्रेन मैनेजर सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इनके लिए 2 स्टेज सीबीटी टेस्ट होगा। तो और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन मेडिकल एग्जामिनेशन, ये जो है आप जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए ये सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, शॉर्ट लिस्ट होगा, शॉर्ट लिस्ट जो है आपका 15 गुना होगा। फर्स्ट जो पेपर होगा उसमें से आपको 15 गुना, जैसे कि 15 गुना जो भी पोस्ट के 15 गुना लेंगे, और देन सेकेंड स्टेज के लिए आपको शामिल करेंगे। देखिए ना आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्लियर सा लिखा हुआ है। और इसमें क्या है, इसमें देखिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है, देखिए टाइपिंग स्किल टेस्ट में इसमें 8 गुना लेंगे आपको। तो ये अलग अलग पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी पेपर में आपकी, ठीक है। बाकी अब बताइए और क्या कुछ रह गया है क्या, मुझे नहीं लगता कुछ रह गया हो। जो जनरल जनरल इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी अगर कुछ है तो आप इसे पूरा आराम से भी देख सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। 7 CPC आपकी सैलरी मिलेगी आपको। देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखिए ये आपका क्या है, जनरल फिटनेस है, फिटनेस आपका एकदम से होना चाहिए अच्छे से, फिजिकली मेडिकल आपका होगा, सभी का होगा मेडिकल, बिल्कुल फिटनेस जो है एकदम सही होनी चाहिए। नेशनलिटी आपकी जो है इंडिया नेपाल या भूटान होनी चाहिए। और इसमें जो है आपका एज लिमिट जो है ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। 7 CPC आपका लेवल रहेगा, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है ये, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम 10वीं पास या 12वीं पास है फॉर्म अप्लाई कर लें। NTPC अगर शुरू में आपने नाम सुन लिया था NTPC, तो आपको पता है कि NTPC में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एज ग्रुप की बात करें 18 से 36 वर्ष है, 2/1/1989 तक जनरल और EWS के लिए, OBC नॉन क्रीमिलियर की बात करें 2/1/1986 तक, SC ST के लिए 2/1/1984, और फॉर कम्युनिटी कैटेगरीज जो भी होते ना बाकी के लिए 1/1/2007। तो दोस्तों देखिए अगर हम बात करें तो ये आपका एज लिमिट जो है वो भी आपके लिए पता चल गया आपको, ठीक है। और कोई चीजें रह जाती है तो अपन देख लेते हैं, है ना। इसमें जो एज इलेक्शन है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसी में 3 है 5 है 3 है, ठीक है। बाकी ये एज इलेक्शन है सभी का, मतलब जनरल के अलावा। बाकी इसमें देखिए फीस की बात करें तो फीस की बात भी अपन कर लेते हैं यहाँ पे। ₹500 तो है भैया जनरल OBC वगैरह के लिए, और बाकी फीमेल है जो ट्रांसजेंडर है SC ST है उनके लिए जो है ₹250। तो आपके 500 OBC और जनरल के लिए, EWS के लिए, और बाकी जो है ये ₹250 जो है किन के लिए है, ₹250 उनके लिए है जो इसमें SC ST में है, ट्रांसजेंडर है या फिर फीमेल है या फिर WBD है। देखिए इसमें इन्होंने ये बताया कि आउट ऑफ दिस फीस ऑफ RS 500 एंड अमाउंट ऑफ RS 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। अच्छा, तो आपका फर्स्ट स्टेज अगर आप एग्जाम दे देंगे, ठीक है, तो आपको ₹400 जो है वापस कर देंगे, ₹100 ये रख लेंगे, 400 आपको वापस दे देंगे। ये रूल मुझे भी अच्छा लगा, ठीक। और पेमेंट मोड जो है ये आपका ऑनलाइन ही रहेगा, या फिर आप UPI से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका था, ज्यादा जो है नहीं है वैसे इसमें। बाकी अगर आप बहुत ज्यादा कुछ देखना चाहते हैं तो इसको आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। बाकी इसमें बहुत कुछ ज्यादा है ही नहीं, ठीक है, क्लियर है। बाकी कोई आपके और भी कमेंट्स वगैरह है तो, मतलब आपके कुछ सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं कि आपको कोई चीजें समझ नहीं आई तो मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। और बाकी इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट लिंक दे देता हूँ। इसमें देखो ये थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं, नहीं तो अलग वीडियो बनानी पड़ जाएगी। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT जो है ये, इसमें आपका क्या होगा कि जनरल अवेयरनेस 40, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। मैथमेटिक्स 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 है, तो कुल मिला के 40, 30 और 30 100 नंबर का पेपर होगा भाई साहब। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है और आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है और GK, ये पेपर वो बंदा दे सकता है
जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बेहतर तरीके से, या फिर अपने राजस्थान में एलडीसी हो गया है ना, सीईटी हो गया, अगर आप सीईटी की भी तैयारी करें तो इसमें जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो आपका रहेगा। अब देखो सेकंड स्टेज की बात करते हैं, सेकंड स्टेज भी बात कर लेते हैं। सेकंड स्टेज में आपका जनरल अवेयरनेस 50 रहेगा, मैथमेटिक 35 और 35 ही इंटेलिजेंस, तो कुल मिला के 120 का रहेगा सेकंड स्टेज। ठीक है, सेकंड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट वालों के लिए टाइपिंग होगी और बाकी वालों के लिए सेकंड स्टेज ये होगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपने अच्छे से ध्यान से सुना है, तो सबसे फर्स्ट में है ना ये 120 नंबर का होगा। और इसका कंप्लीट जो है ना, अगर आप देखना चाहें कि मुझे वो सारी चीजें देखनी है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस में ये क्या क्या पढ़ना है हमें, तो ये है। ठीक है, मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये मैथ का है, और ये रीजनिंग का, मैथ का, रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का, तो ये सीबीटी सेकंड का है और फर्स्ट का वो अलग से, तो आप इसे देख सकते हैं वैसे। ठीक है, मैं इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर मैंने बताया ना आपको, आपको ग्रुप में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं इस प्रकार से, और बाकी ये जो है इसका भी अपन बात कर चुके हैं सबसे फर्स्ट में। तो इस प्रकार से आपको न्यूज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कभी कभार आपको इस प्रकार की न्यूज भी जो है देखने को मिल जाती है। ठीक है, बाकी आपने पशु परीक्षा है, सीईटी है, इन सभी एग्जाम्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको निःशुल्क नोट्स दिए जा रहे हैं, क्लासेस भी दी जा रही है। और दोस्तों देखिए, नोट्स जो है सबसे बड़ी बात है, वो भले ही आप भारत के मान लो, राजस्थान के मान लो, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप नोट्स फ्री डाउनलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम।